मेरा सीधा सवाल ये कि क्या वाकई ऐसा कोई सगा नहीं जिसने मुसलमानों को ठगा नहीं? मुसलमानों का असल में दुश्मन कौन है यहां पर हिंदुस्तान में? देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुसलमान गटर में रहना चाहता है, ये कांग्रेस की सोच है। वो सीधे कहना चाहते थे कि मुसलमानों के लिए 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। कम से कम मोदी जी ये मान ले कि मुसलमान बुरे हाल में है, परेशान हाल है, उसकी हालत दलितों से भी बदतर है, ये कम से कम मोदी जी ने आज स्वीकारा है। पिछले 70 सालों में यही भारतीय जनता पार्टी शोर मचाती थी कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, मुसलमानों की मुंह भराई हो रही है। तो कम से कम मोदी जी की यह समझ में तो आ गया कि देश में मुसलमानों का बुरा हाल है। एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इसीलिए गठन किया गया था कि बार बार आरोप लग रहा था कि मुसलमानों को बहुत विशेष अधिकार है, बहुत कुछ दिया जा रहा है। तो जब आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सर्वे करने की बात रखी गई तब भी विरोध हो रहा था। रिपोर्ट आई, कम से कम देश ने देख तो लिया कि मुसलमानों के हालात क्या हैं। ठीक है, 70 साल में पिछली सरकारों ने कुछ नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को, मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाएंगे, और वो बनाएंगे तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे।